यह एक हमारा पाठ है, कैन यू डू एज आई डू। इसके फोल्डिंग में कहा गया है कि आई डू, वी डू, यू डू, और लेसन ही इस तरह से है, कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, एज जैसा कि आई डू, मैं करता, जैसा मैं करूंगा क्या तुम ऐसा कर सकते हो। Can you do as I do? बोलिए। Can you do as I do? I am jumping. I am jumping. I am jumping. कैसे बोलिए? I am jumping. I am jumping. I am jumping. I am jumping. अपने place को छोड़ना, ठीक है ना? I am jumping. I am jumping. I am jumping. I am jumping. Can you look at me? Look. Can you do as I do? Can you do as I do? अब ये जंपिंग का यहाँ पर बार बार जो है बताया गया है कि ये जंप जंप जंप, ठीक है? जैसे कूदिए, जंप जंप जंप। अब जब TPR का हम यूज कर रहे हैं तो इसको हमारा विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं भूलेगा। ये जंप है, ये जंप है, ठीक है? जब तक ना उसको बोले तो आप कराइए, उसको छोटे बच्चे करें। सेकंड स्टेप में है, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, कितना अच्छा नाचे, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, लुक एट मी, लुक एट मी, Can you do as I do? Can you do as I do? इसमें दो तरह से बोल करके फिर डांस क्या होता है उस पर आना। तो इस तरह से एक्टिविटी फिर है, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। इस तरह से TPR का यूज करके हम अधिक से अधिक बच्चों को आकर्षित करते हुए किसी भी लेसन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।